आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। डिस्कस द वेरियस लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर। मतलब जमशेदपुर में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनको जमशेदपुर के लोकेशनल एडवांटेजेस कैसे मिले हैं, यानी कि ज्योग्राफिकली क्या क्या फायदा उनको वहां होने की वजह से मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो जो जमशेदपुर की लोकेशन है वो बहुत ही इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, हाउ? क्योंकि जमशेदपुर इंडिया का आयरन और स्टील सेंटर, उसी की वजह से, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। ठीक है, ज्योग्राफिकली जो वो इतने बेटर और इतने बेस्ट प्लेस पे है, उसकी वजह से वो इंडिया का आयरन एंड स्टील सेंटर है। ठीक है, क्या है? आयरन एंड स्टील सेंटर। ठीक है, इनफैक्ट जो फर्स्ट टिस्को है, ठीक है, टिस्को यानी कि टाटा की कंपनी, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है, वो सबसे पहले जमशेदपुर में ही एस्टैब्लिश हुई थी इन 1907, वे बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे पहली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो भी जमशेदपुर को ही मिली थी। ठीक है, तो ये भी रीजन है उसके डेवलप होने का। बट टिस्को के जमशेदपुर को इतना डेवलप बनाने में तो योगदान है ही, पर जमशेदपुर को एज ज्योग्राफिकली एज इंडस्ट्रियली वहां पे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिश करने के लिए क्यों ही टिस्को ने चुना कि जमशेदपुर में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं? क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो ये कि जो जमशेदपुर है वो आयरन ओर और जो कोल ओर है और जो मैंगनीज ओर है, ठीक है, इन सब के से बहुत नजदीक है। ठीक है, वहां पर बहुत भारी मात्रा में इन सब के ओर्स हैं, खान हैं। ठीक है, सेकंड क्या था कि ये जो कालीमती रिवर रेलवे स्टेशन है, कालीमती रेलवे स्टेशन, उससे बहुत नजदीक था। ठीक है, जब ब्रिटिश इंडिया में रेलवे स्टेशन रेलवेज मतलब बिल्ट ही हुआ था तो वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट रेलवे स्टेशन वहां पे बन गया था बहुत पहले, तो कम्यूटेशन में इजी रहेगा उनको, उनको कम्यूटेशन चार्जेस कम होंगे और फैसिलिटी रहेगी, इसका फायदा उसको कालीमती रेलवे स्टेशन से मिलता। और अप्रोक्स वो 30-32 किलोमीटर दूर था कालीमती रेलवे स्टेशन से जमशेदपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ उनको ये क्या था, कोलकाता से उस वक्त बहुत ज्यादा नजदीक था, और उस वक्त के हिसाब से भी और अभी के हिसाब से भी ये सारे वहां पे फेवरेबल फैक्टर्स हैं वहां पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए। तो कोलकाता में क्या था कि उनको मार्केट मिल जाता, जो यहाँ की प्रोडक्शन होती उसके लिए उनको मार्केट मिलने वाला था, कंज्यूमर्स मिलने वाले थे वहां के प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो ये एक फायदा था। फिर और फायदा क्या था कि जो खारकाई और सुवर्णरेखा रिवर्स हैं, ठीक है, खारकाई जो वहां के लोकल रिवर्स हैं, खारकाई और सुवर्ण रेखा, खारकाई और सुवर्ण रेखा, ये दो जो रिवर्स हैं वो भी वहां पर हैं, जो फैक्ट्री के काम में जो पानी का पानी की जरूरत होती, जो इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री का जरूरत होता, उस वाटर सप्लाई को भी इन नदियों ने हैंडल कर लिया। ठीक है, तो ये सब बहुत एडवांटेजेस थे उसके वहां पर एस्टैब्लिश करने के अपने इंडस्ट्री को। ठीक है, और यही सारे एडवांटेजेस आज भी उसके साथ बने हुए हैं, जिसकी वजह से कि जमशेदपुर वो अभी भी आयरन एंड स्टील सेंटर है ऑफ इंडिया। होप इट वाज क्लियर गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।